कोल्ड वॉर छिड़ चुका है यूएस और चाइना के बीच में और बहुत सारे कंपनीज को बहुत घाटा होने वाला है ऐसा बहुत लोगों का कहना है। और तो और हुआवे बैन भी हो गया है यूएस में। तो क्या है हुआवे बैन? क्या हुआवे बैन सिर्फ चाइना ही को लॉस है या फिर हुआवे को ही लॉस है? क्या हम इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल कवर किया है एंड टू एंड कि क्या आपको होने वाला है ग्लोबल मार्केट में और तो और इंडिया में लिटरली हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका और क्या इम्पैक्ट होगा हम पे, ये सभी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो टेक्निका। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को देख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो वीडियो का मेन मोटिव ये है कि इससे कोई भी निगेटिविटी ना फैले और तो और पता चल जाए कि क्या होने वाला है बैन को लेके। अब अगर बात करें हुआवे बैन को लेके, तो हुआवे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्मार्टफोन ही नहीं बहुत सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो आपका एक सेलफोन का मॉडल ही क्यों ना हो या फिर आपका एक पीसी मॉडल या फिर पीसी कंपोनेंट भी बिल्ड करती है। और तो और जितने भी आपको टावर्स वगैरह देखने को मिलते हैं इंडिया में या फिर बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स या फिर बहुत सारे आपके जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो सभी हुआवे ही बिकती है। अब बात करें शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत यहाँ से हुई कि यूएस का कहना ये था कि यूएस पे हुआवे नज़र रख रहा है, मतलब कि चाइना नज़र रख रहा है अपने ये जो टावर वगैरह जितने भी इनके थे उसे ये नज़र रख रहा है इन पे। तो यूएस ने धीरे धीरे इन टावर्स को हटाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे टावर्स बिल्कुल गायब भी हो गए यूएस में। और उसके बाद फिर आया यूएस में हुआवे का बैन जो कि लिटरली उनके स्मार्टफोन को बैन था, पर बहुत सारे पार्ट मतलब कि उसके पार्ट्स वगैरह बिक भी रहे थे वहाँ पे यूएस में बिल्कुल फ्रीली। और तो और इनको लेके यूएस ने कोई भी मतलब कि चाइना ने लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं दिखाई। पर लिटरली फिर कुछ दिन पहले ही हुआवे बैन हुआ जिसमें कि बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, मतलब कि जितने भी आपके स्मार्टफोन थे उनका वहाँ पे बिकना ही बंद हो गया। और तो और चाइनीज कंपनीज को ही बंद करने का ऐलान कर दिया यूएस ने, जो कि चाइना को भी बहुत अच्छी नहीं लगी। चाइना ने भी कहा कि अब ओपन मार्केट है तो कोई भी आके क्या कहते हैं चीज़ों को बेच सकता है और ख़रीद सकता है। पर अगर बात करें यूएस के नज़र से तो यूएस भी बिल्कुल गलत नहीं है अपने जगह पे, क्योंकि अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि चाइना में आपका गूगल नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता। यहाँ पे आपको एक लिटरली एक नया आपको आप बोलते तो इसका एक अल्टरनेटिव है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट ही रन करती है, वो सब देखने को मिलता है। और चाइना बहुत एक तरह से बोलते तो क्लोज्ड है और ओपन मार्केट में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो आप समझ सकते हो कि सभी चीज़ें तो बेच तो दे रही है अंदर, पर बॉर्डर बीच से हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना सब जगह में एक्सपोर्ट कर रही है पर इम्पोर्ट कहीं से भी नहीं कर रही है। इससे लेके ओपन मार्केट में बहुत सारे बात बतंगर बना और इससे लेके एक ट्रेड वॉर छिड़ गया यूएस और चाइना के बीच में। अब बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन वाले क्राइटेरिया पे। तो स्मार्टफोन वाला क्राइटेरिया ये है कि अब आपका एंड्रॉयड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, आर्म, एप्पल, सभी एक तरह से बोल सकते हो कि यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं। और ये सब यूएस बेस्ड कंपनीज़ को कह दिया गया है कि आप लोग चाइना से मतलब कि कुछ भी चीज़ों से बिजनेस नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ब्रॉडकॉम, टेलीकॉम, ये सभी चीज़ें, ये जितने भी कंपनीज़ हैं वो चाइना से मतलब कि कुछ भी काम नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती हैं। ठीक, तो अब ये बिजनेस नहीं करेंगी तो मतलब कि आपका जो हुआवे का फ़ोन, शाओमी का फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन या फिर कोई भी चाइनीज कंपनी, चाहे वो वीवो का हो, रियलमी का हो, रेडमी का हो, ये सभी चीज़ पे आपको एंड्रॉयड शायद देखने को नहीं मिले आगे से, क्योंकि अब ये सभी चाइनीज़ हैं और चाइनीज के साथ ये काम नहीं करेंगी। ऐसे अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 90 दिन का टाइम दिया गया हुआवे को अपनी सफाई में कुछ कहने का। ऐसे हुआवे ने क्लियर कर दिया है कि ये जानते थे कि हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने एक सीक्रेटली नया ओएस भी बना कर रखा था जिसका नाम है हॉन्गमैन ओएस। अब ये हॉन्गमैन ओएस असल में करता ये है कि आपका जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक हैं, वो सभी इस पर इंस्टॉल हो जाएंगे और चल भी जाएंगे और ये बिल्कुल प्ले सर्विस से बाहर भी रहेगा। क्योंकि हुआवे बैन तो यूएस में बहुत पहले ही से हो गया था, अब जो लिटरली जो बैन हुआ है वो बैन हुआ है बिजनेस को लेके, आपके प्ले सर्विस, प्ले सपोर्ट, गूगल प्ले स्टोर को लेके, मतलब कि आपका जितना भी ये सभी चीज़ें आपके काम नहीं करेंगी आगे से हुआवे के फ़ोन में, ऐसा ट्रंप ने कहा है, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट, मतलब कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। तो अगर बात करें एक इंडियन इम्पैक्ट पे, तो इंडियन की मार्केट में अगर बात करें तो जो मोबाइल शेयर्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा हैं, अभी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडियन मार्केट में, और जितने भी नए नए R&Ds वगैरह हैं वो सभी सेटअप किए जा रहे हैं एंड्रॉयड पे इंडिया में। तो अगर बात करें एंड्रॉयड को लेके, तो जितने भी आपको एंड्रॉयड फ़ोन देखने को मिलते हैं उसमें 95% तो चाइनीज़ ही होते हैं और 4-5% भाई हमारे अननोन जगह कोरिया वगैरह या फिर वो तो यूएस वगैरह के फ़ोन्स होते हैं। अब अगर बात करें इससे और थोड़ा एक लेवल ऊपर, तो आपको मालूम होगा कि जितने भी आपके यूएस फ़ोन हैं
मेड इन इंडिया फ़ोन है या कहीं कहीं फ़ोन है, कोरियन फ़ोन है, तो इसकी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग लाइन चाइना से ही होके जाती है। मतलब कि जो चाइना में ही सबका मेन मैन्युफैक्चरिंग लाइन का हब है। आप बोल सकते हो कि कोई भी प्लास्टिक वगैरह का जितनी चीज़ें हैं वो आप बोल सकते हो लिटरली चाइना से ही बन के आई हैं। तो अगर US ने बैन किया है तो चाइना भी उस पर एक काउंटर अटैक करने के लिए वो भी बैन कर सकता है। और इससे होगा क्या कि बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा हमारा स्मार्टफोन मार्केट और बहुत सारे आपको नए फ़ोन देखने को शायद नहीं मिले कुछ आने वाले महीनों में। ऐसा कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकलेगा ही। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाँ हमारे स्मार्टफोन दुनिया बंद हो जाएगी, कुछ ना कुछ नए अल्टरनेटिव निकलेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी कंपनी अपने आप को पुश करेंगी ताकि वो भी मैन्युफैक्चर करें, और ये बहुत हद तक सही भी रहेगा क्योंकि अब एक कंट्री पर बिल्कुल टोटल डिपेंड होना भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो कभी भी अपना हाथ जो है वो छुड़ा कर भाग सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना को ही समझ लो। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको और आपको पता चला होगा कि हुआवे बैन क्यों हुआ और एक अदर साइड हुआवे बैन को लेके कि सिर्फ हुआवे को ही नहीं लॉस है, लॉस तो बिल्कुल पूरे बोल सकते हो ग्लोबल मार्केट को है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, नीचे शेयर कर देना, और तो और नीचे कमेंट का सेक्शन आता है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी और हुआवे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप नीचे रिप्लाई करना। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ।